अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के किरदार पे एक हफ्ते की मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है उस पर बात करना चाह रहा था। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करें तो भी बताइएगा, इत्तेफाक ना करें तो भी बताइएगा। थीम थोड़ी सी नई है, सोच थोड़ी सी नई है, डिफरेंट भी है, तो इस हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। लास्ट वीक मैंने देखा 2-3 चैनलों पर डैम्स की कलेक्शन की बातचीत चल रही थी और कुछ प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए जिसके थ्रू कुछ फिल्म स्टार्स और इस तरह के मारूफ चेहरों को बुलाया गया और फिर कॉल्स का सिस्टम इनिशिएट किया गया। कॉल्स स्टार्ट हो गई, फ़ोन आने शुरू हो गए। इनिशियल पहला फ़ोन आया जी मेरी तरफ से 1 लाख रुपए डाल दीजिएगा, फिर फ़ोन आया जी मेरी तरफ से 50 लाख रुपए डाल दीजिएगा, फिर फ़ोन आया जी मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपये डाल दीजिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा भाई ये तो माशाल्लाह एक ही उस गो में कुछ सेकंड्स ही हुए भी तो प्रोग्राम स्टार्ट हुए हुए और करोड़ों रुपए जमा हो गए। लेकिन प्रोग्राम के बाद किसी ने भी जो है वो हमें अवेलेबल बैलेंस नहीं दिखाया जो ये करोड़ों रुपए जमा हुए थे। या तो ये कैंपेन होती जस्ट ऑन अ रिक्वेस्ट मैनर के जी पैसे जमा करा दें फंड्स के लिए, क्योंकि डैम बनने बहुत ज़रूरी है और अगर हम पर्पस ओरिएंटेड अप्रोच नहीं लेके आएंगे तो वो डैम की वेटेज को हल्का कर रही है मेरी नज़र में इस तरह के प्रोग्राम्स करके। इवन डैम की वेटेज को भारी होना चाहिए लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स डैम की वेटेज को हल्का कर रहे हैं। वो किस तरीके से कि मैं ये सोच रहा था कि मुझ जैसा बंदा एक आम शहरी जिसने कभी ज़िंदगी में 1 लाख रुपये भी एक साथ ना देखे हों, मैं भी सोच रहा था कॉल करूँ 1 करोड़ मेरी तरफ से डाल दीजिएगा, 2 या 2 करोड़ मेरी तरफ से डाल दीजिएगा। खैर है, क्योंकि बहसीत कौम ये मानने में मुझे शर्मिंदगी नहीं है कि हम तो रेस्क्यू पे तफरी की कॉलें कर देते हैं, हम तो रेस्क्यू वालों को नहीं छोड़ते जो कि एक हमारी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है इमरजेंसी में, हम तो वहाँ तफरी की कॉलें कर देते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है मीडिया वालों को कि भाई आवाम इस तरह की है कि वो इस तरह की कॉल्स कर सकती है। अब आपने पूरा 1 घंटा मेरा लिया, मैं इस इंटेंशन से देखता रहा कि जी अल्लाह का शुक्र है डैम के लिए कलेक्शन हो रही है, डैम के लिए पैसे आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला डैम बनेगा। एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम कोई बैलेंस ही नहीं बताया जी कि किस अकाउंट में कितने पैसे आ गए और क्या हुआ। तो मैं तो जी सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये हर कॉल पे जिसने कहा 1 करोड़ डाल दें, आपने कहा जी इंशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, फिर जब फ़ोन आया 2 करोड़ डाल दें, फिर और ज़रा तरीके से बोला इंशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह तो ऐसे चल रहा था जैसे अवेलेबल बैलेंस आता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और जो आप कोट कर रहे हैं, आपने कोट किया था प्रोग्राम पे कि कोई 1 करोड़ की कॉल आ रही है, कोई 50 लाख की कॉल आ रही है, कोई 20 लाख की कॉल आ रही है, लेकिन वो पैसे किधर हैं, वो डिपॉजिट किधर है, वो फंड्स किधर हैं। ये तो हो गया क्रिटिसाइज आपकी इंटेंशन पे नहीं, आपकी प्रोसेस पे, आपकी अप्रोच पे नहीं, ना आपके डिबेट्स पे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। डैम बनेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स करके जिसमें सिर्फ इधर डाल दे उधर डाल दे ये कर दे वो कर दे, हम तो वो कौम है कि जो पहले आप में लगी रहती है कि पहले आप कर लें, या फिर मैं सोचता हूँ मुझ अकेले के चेन से क्या फ़ायदा होगा। अब उसमें अगर आप मुझ जैसे बंदे को, मैं भी एक अवामी बंदा हूँ, अवाम से हूँ मैं, मुझ जैसे बंदे को अगर आप ये दिखा देंगे कि जी 10-20 करोड़ों पर तो 1 घंटे में जमा हो गए, मैं भी ठंडा हो जाऊँगा, अरे यार इतने पैसे तो जमा हो गए, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं भी पैसे डालूँ, माशाल्लाह टाइम बन जाएगा, मैं तसल्ली से बैठ जाऊँगा घर पर। क्योंकि आपने, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सोचा इस चीज़ पर कि यार बैलेंस तो आया नहीं प्रोग्राम के एंड पे, तो ये कौन से पैसे जमा हुए थे। मेरा आपको मशवरा ये है, अब इस मशवरे पे आता हूँ, पहले तो क्रिटिसाइज मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आजकल हर बैंक के पास ऑनलाइन एसेस है, फंड्स ट्रांसफ़र की लिमिट्स मौजूद हैं, आप 5-6 बैंकर्स को बिठाएं अपने प्रोग्राम में और जो कॉलर पैसे ट्रांसफ़र कर दे फंड्स ट्रांसफ़र के थ्रू ATM के थ्रू, अब तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं, आप उसकी कॉल लें, हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप भी उसको अप्रिशिएट करें और एक्चुअल प्रोग्राम का जो जिस पर्पज़ के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है वो तो क्लियर होगा। ये तो सिर्फ शोहरत के लिए हो गया, और शोहरत आप ज़रूर कमाएं, शोहरत का किसको शौक नहीं होता, हर एक को होता है, लेकिन उन प्रोग्राम्स या उन इश्यूज़ को लेकर शोहरत ना कमाएं जिसकी वजह, जो बड़े सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से उसकी वेटेज कम हो जाती है आपके सिर्फ शोहरत के चक्कर में। कोई भी फिल्म स्टार बैठता है वो एक कड़क सी आवाज़ में कह देता है आप लोग डैम्स कलेक्शन में पैसे दें, ये हम आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वो भाई आपकी आवाज़ कड़क करने में, जो आपने इतनी मेहनत कर ली इस आवाज़ को कड़क करने से अगर पैसे आ जाएं और एंड में आप बैलेंस ना दिखाएं तो भाई मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम क्यों देख लिया,
क्या बेनिफिट हुआ मुझे या एक आम शहरी को ये देखने पे। तो फिर हम सोशल मीडिया वालों को क्यों उन पे लान तान करते हैं कि वो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, क्या भी कर देते हैं। हमारे मीडिया पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से स्टार्ट लेना होगा, उसमें पॉजिटिविटी का मुजाहरा करना होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मुजाहरा करना होगा। प्रोग्राम जरूर करें लेकिन बैंकर्स बिठाएं, ऑनलाइन ट्रांसफर लें, जिसके ट्रांसफर आ रहे मैं भी अप्रिशिएट करूंगा, आप भी अप्रिशिएट करें और पैसे भी आ जाएंगे डैम कलेक्शन में। लेकिन सिर्फ प्रोग्राम की हद तक ही चला देना सारी चीज़ों को, फोन वोन कर देना, मैं भी करने वाला 2 करोड़ का फोन, 1 लाख मैंने आज तक जिंदगी में एक साथ देखे, क्या फ़ायदा होता है? आप उस पर भी इंशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहती या कहते, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक पे आइए, ये जो आजकल हम देख रहे थे जनाजे की कवरेज हुई थी, जिसके घर भी जनाजा होता है उसको तकलीफ होती है, और हम सब भाई से इतने मुसलमान, हमारा अकीदा है कि हम जाने के लिए आए हैं, हमें अल्लाह के पास जाना है। तो कैमरे की आँख का इतना दुख क्यों? दुख तो अंदर होता है, दुख तो दिल से होता है, ताजियत तो दिल से की जाती है, कैमरे की आँख में इतनी ताजियत? और चले अगर ताजियत दिखानी है तो भाई फिर हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी घरों में हम बात हुई हैं, आप क्यों नहीं आए मेरे घर कवरेज करने के लिए? जस्ट बिकॉज के मैं एक आम आदमी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं सैलरीड हूँ, इस वजह से आप नहीं आए? फिर तो एक डिसबैलेंस इक्वेशन पैदा होती है कि शायद अमीर मुसलमान को, पॉलिटिकल मुसलमान को कवरेज मिलेगी, एक आम मुझ जैसे शहरी को या एक आम इंसान को जो बोल्टन पे 500 रुपए की बोरियां उठा रहा है डेली की दिहाड़ी पे, उसके घर में कोई मौत होगी तो फॉरगेट अबाउट दैट। और एक सैलरीड इंडिविजुअल जो एक सैलरी पे टैक्स भी दे रहा है और अपने घर का भी सारी चीज़ें चला रहा है, उसके घर कोई इंतकाल होगा, फॉरगेट अबाउट दैट। अगर कोई फौजी जो उसके घर में कोई शहीद होता है या उसके घर से किसी का जनाजा उठता है तो फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट बिकॉज के वो एक आम इंडिविजुअल्स हैं, मैं एक आम इंडिविजुअल्स हूँ। तो ये आम और ख़ास मुसलमान की तरह डेफिनेशन क्लियर करें, क्योंकि जब आप दिखा रहे होते हैं कि इतने लोग ताजियत के लिए आए, अब मैं किसी की इंटेंशन पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन भाई ये मेरे भाई ये मुनाफ़त होती है, ये ताजियत नहीं होती जो दिखा दिखा के कि ये ताजियत है ताजियत है। ऐसी ताजियत के लिए मैंने एक शेर लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जनाजा वो हकीकत हर लब पर दुआ आला दर्जात की, जनाजा वो हकीकत हर लब पर दुआ आला दर्जात की, काले अमाल गुनाहगार कंधों पर उम्मीद करते निजात की। सोचिएगा ज़रूर एक बार कि क्या मीडिया अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, और अगर ये मैसेज मेरा आपको अच्छा लगे, जो आप पे क्रिटिसाइज इतना नहीं है, आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, डैम कलेक्शन का भी मैंने आपको बताया, आम और ख़ास मुसलमान का भी मैंने आपको बताया, अमीर और गरीब की डिफ्रेंशिएशन भी मैंने आपको बताई जो आप क्रिएट कर रहे हैं वहाँ बैठ के कैमरे की आँख में सब दिखा के। जिसके घर जनाजा होता है दुख इधर होता है, कैमरे की ज़रूरत नहीं। जिसको ताजियत करनी होती है वो दिल से आता है, कैमरे की आँख की ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसी ताजियत हो रही है तो फिर हर मुसलमान के घर जितने ताजियत वाले आते हैं उनको कवरेज दी जाए, हर जनाजे हर मुसलमान के जनाजे को कवरेज दी जाए पाकिस्तान में, ताकि आम और ख़ास, अमीर और गरीब का मामला ख़त्म हो। थर्ड बात कर लेते हैं, मैं सोशल मीडिया पर बड़ा देख रहा था, 3 टॉपिक्स आज मैंने सोचे थे कि इस पर बात करूँगा, तीसरा लास्ट है ये कि टैक्स बढ़ने वाला है, बिल बढ़ने वाले हैं। भाई नई हुकूमत आई है, इसको थोड़ा सा टाइम दें, जलन में, कंपटीशन में, अननेसेसरी इलॉजिकल बातों में आप जो पोस्ट कर देते हैं कि जी सैलरीड, मैं खुद सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, मैंने भी इंतज़ार करा कि लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, क्या फैसला आता है। टैक्स बढ़ रहा है, बढ़ा टैक्स बढ़ा आप लोगों का, मैं भी सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, गैस के प्राइस बढ़े, मैं भी सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़े, मैं भी सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, जो जिम्मेदारियाँ आप पे हैं वो जिम्मेदारियाँ मेरे पे भी हैं, लेकिन वेट एंड सी, पहले देखें कि हो क्या रहा है और जब हो जाए फिर उस पर तजिया देना। अब हुआ क्या, जिन जिन ने पोस्ट करा था उसके अगेंस्ट में जवाब आ गया ना कि ना टैक्स बढ़ रहा है सैलरीड पे, ना गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ इस इंतजार को फैलाने का मेरे सोशल मीडिया वाले दोस्त बहन भाइयों? तो बराए मेहरबानी, ये जो मैं वीकली बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूँ इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, और आगे इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कोई पोस्ट करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई प्रोग्राम करने से पहले एक बार सोचें ज़रूर कि क्या ये प्रोडक्टिव है, क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर मेरा मैसेज आपको पसंद आए तो काइंडली इसको फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस शऊर को, इस सोच को, इस अप्रोच को आगे बढ़ाइएगा। हसन रियाज अदबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।